आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाते हैं और फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निद्रा से श्री हरि 4 महीने बाद जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन लोग आंवले के नीचे खिचड़ी पकाकर खाते हैं और खिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी का क्या महत्व है, जो लोग आज भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है और फिर इसी दिन से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर साफ कपड़े पहने और विष्णु जी के व्रत का संकल्प लें। माना जाता है कि घर के आंगन में विष्णु के चरणों का आकार बनाया जाता है, लेकिन अगर आंगन में धूप हो तो चरणों को ढक दें। रात के समय विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु को इस मौसम में आने वाले फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी की मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ के नीचे खिचड़ी बनाकर सभी देवी देवताओं संग खाई थी। तो जिला मंडी के बासी आज भी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। लोग आज भी आंवले के नीचे खिचड़ी पका कर खाते हैं। अगर कहीं आंवले का पेड़ मौजूद नहीं है तो लोग बाजारों से आंवले की टहनियां खरीद कर लाते हैं, फिर उस टहनी को रसोई घर में रख कर खिचड़ी पकाते हैं। भगवान विष्णु को जगत के पालनहार के रूप में जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद और फल बहुत प्रिय हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त उनको इन चीजों का भोग चढ़ाते हैं, उन पर भगवान अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। जो है भगवान पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु का त्यौहार है और इस दिन एकादशी होती है, और एकादशी के दिन ही शुक्ल पक्ष की एकादशी ये प्रारंभ होता है और अमावस्या तक, पूर्णिमा तक रहता है, उसके बाद अमावस्या शुरू होते हैं। इस त्यौहार के अंदर ये विशेषता है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जो है इससे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मांगी हुई मुरादों को पूर्ण करते हैं। यही नहीं, इस दिन जो है भगवान ने आंवले के पेड़ के नीचे पूर्णिमा को खिचड़ी बनाई थी, गोप ग्वालों के साथ इस खिचड़ी को खाया था और खिलाया भी था। और आंवले का इसके अंदर बड़ा भारी महत्व है। अगर आंवला कहीं भी ना मिले तो आंवले की छठ चूल्हे के ऊपर लगा करके लोग खिचड़ी को बनाते हैं। भगवान विष्णु जो है, जो गोप नंद जो थे, वो सारे पेड़ के नीचे बैठ करके खिचड़ी बनाते थे और इस खिचड़ी को खाते भी थे और खिलाते भी थे। यही नहीं, इस दिन भगवान की पीले पुष्पों के साथ पूजा की जाती है और पीला वस्त्र धारण करते हैं, और अगर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को यदि पीले वस्त्र, पीले फूल और इसकी ये लगाई जाए तो गन्ना, पिपला, आंवला और एक फूल अगर लगाए जाएं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन यही नहीं, भगवान विष्णु तब प्रसन्न होते हैं जब ये सारी चीज़ें जो हैं तुलसी के साथ लगाई जाती हैं और तुलसी माता की पूजा की जाती है। ये तुलसी वृंदा थी और ठाकुर लक्ष्मी नारायण जो थे, भगवान विष्णु जो कृष्ण अवतार के अंदर पैदा हुए थे, उनके उपलक्ष्य के अंदर ये मनाई जाती है।